नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग लाइफस्टाइल और मैं हूं आपका होस्ट एमके वर्मा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको आप यूज तो करना चाहते हैं पर वो आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इन सिंबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को खोलना है। हम जो भी सिंबल यूज करते हैं एक्चुअली में उनको ASCII कैरेक्टर्स बोलते हैं और इनकी रेंज होती है 0 से लेके 255 तक, ठीक है। और इनको आप ऑल्ट की जो आपके कीबोर्ड के ऊपर होती है उसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इनको इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल में सर्च करना है ALT, ऑल्ट कोड्स, ठीक है। ऑल्ट कोड जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक आता है www.altcodes.net। आपने इस साइट को खोलना है। जब आप इस साइट को खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये बहुत सारे सिंबल्स बता रहा है और साथ में इनके कोड दे रखा है। इसका मतलब है कि अगर आप इस सिंबल को, जैसे कि स्माइली को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपने अपने कीबोर्ड की ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है और उसके बाद 1 प्रेस करोगे तो स्माइली आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आप जब नंबर यूज करोगे अपने कीबोर्ड पे तो आपने सिर्फ न्यूमेरिक कीपैड का यूज करना है। अगर आप दूसरे वाले बटन्स का यूज करेंगे तो ये सिंबल इंसर्ट नहीं होंगे। तो आपने सिर्फ न्यूमेरिक कीपैड का ही यूज करना है। तो फ्रेंड्स, जो भी सिंबल आप इंसर्ट करना चाहते हैं पहले आप यहाँ से उसका कोड जो है देख लीजिए कि उसका कोड क्या है। जैसे स्माइली का 1 है, हार्ट अगर आपने इंसर्ट करना है इसका 3 है, 1/2 आपने लिखना है उसका 171 है, 1/4 लिखना है आपने उसका 172 है। तो इस तरह से आगे भी बहुत सारे हैं, 0 से लेके 255 तक कोई भी नंबर आप इंसर्ट करेंगे तो उसके अपोजिट कोई ना कोई सिंबल इंसर्ट होएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड खोल लेते हैं। एमएस वर्ड जब आप खोलोगे, अब जैसे आपने 1/2 को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट की प्रेस करनी है और साथ में 1/2 का जो कोड है वो है 171। आपने 171 को प्रेस करना है, उसके बाद ऑल्ट की को छोड़ देना है। तो जैसे आप छोड़ोगे वैसे ही 1/2 जो है इंसर्ट हो जाएगा। अब मान लो आप 1/4 इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसका कोड है 172। तो आपने अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट की को प्रेस करना है और 172 को प्रेस करना है, उसके बाद ऑल्ट की को छोड़ देना है, तो इसके बाद 1/4 इंसर्ट हो सकता है। तो इसी तरह आप मैथमेटिकली कोई भी फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आप इन सिंबल्स की मदद से मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को आसानी से टाइप कर पाएंगे। अब जैसे कि आप कोई स्माइली इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने ऑल्ट प्रेस करना है, साथ में 1 प्रेस करना है और ऑल्ट की को छोड़ देना है, उसके बाद स्माइली इंसर्ट हो जाएगा। अब मान लो आप हार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हार्ट का कोड है 3, तो आपने ऑल्ट प्रेस करना है और 3 प्रेस करना है, उसके बाद उसको छोड़ देना है तो हार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि डिवाइड का सिंबल आपको पता है कीबोर्ड के ऊपर नहीं होता है, आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने ऑल्ट की प्रेस करनी है, साथ में 246 प्रेस करना है क्योंकि डिवाइड का जो कोड है वो 246 है, उसके बाद उसको छोड़ेंगे तो देख लो डिवाइड का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन का सिंबल अगर आप लगाना चाहते हैं, इसका कोड है 247, तो उसके बाद आप छोड़ोगे तो इस तरह से लग जाएगा। अब आपने मान लो स्क्वेयर रूट लिखना है, जैसे कि 9 का स्क्वेयर रूट लिखना है आपने, तो स्क्वेयर रूट का सिंबल लगाने के लिए जो कोड होता है वो होता है 251, तो आपने ऑल्ट की प्रेस करनी है, 251 प्रेस करना है, ऑल्ट की को छोड़ देना है, स्क्वेयर रूट का सिंबल लग जाएगा, उसके बाद आप 9 लिख सकते हो यानी कि 9 स्क्वेयर रूट, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप आसानी से किसी भी सिंबल को अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग।
लाइफस्टाइल।